चलिए विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे देश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों चुनावी माहौल है। बावजूद योगी सरकार के, विकास की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी ने यूपी के सभी स्कूली छात्रों को सौगात दी है और 1,91,00,000 स्कूली छात्रों को नए सत्र में स्कूल ड्रेस, बैग, जूते और मोजे के लिए 2,300 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए छात्रों के सीधे अकाउंट में भेज दिए गए। बताया जा रहा है कि प्रति छात्र छात्रा 1,200 रुपए दिए गए हैं और इसी के साथ 125 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने। और उच्च शिक्षा को लेकर संवाद भी किया, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है। हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी जहां यूपीए से बदलकर इंडिया नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं विपक्षी कुनबे में भी इस नाम को लेकर आपत्ति है। यहां तक कि यूपीए का नाम बदलने के बाद से गठबंधन की गांठ खुलने लगी है। सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद से नीतीश कुमार थोड़े खफा खफा से हैं। यानी कि एनडीए में सबका साथ बनाम विपक्ष के इंडिया में क्या है, ये आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। उससे पहले देखिए ये ग्राफिक्स। एनडीए गठबंधन पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन विपक्ष में पीएम फेस का कोई भी चेहरा अभी तक सामने नहीं रखा गया है। ये सस्पेंस है। एनडीए अपने पुराने नाम के साथ ही मैदान में है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। तो वहीं विपक्ष में नए नाम पर भी विरोधाभास है, क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया नाम पसंद नहीं है। एनडीए 38 दलों का मजबूत गठबंधन है, तो विपक्ष में 26 दलों की अपनी अपनी राय है। एनडीए विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है, लेकिन विपक्ष में अभी मुद्दे तक तय नहीं हुए हैं। यानी बीजेपी जहां 350 सीटों से ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो विपक्ष सिर्फ मोदी हराओ के नारे के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्ता परिवर्तन की कोशिश में यूपीए का नाम बदल गया। दिल मिले ना मिले, 26 दल एक साथ मिल गए और जब नाम के साथ जिम्मेदारी तय हुई तो नाराजगी का नाटक कर्नाटक से यूपी बिहार तक पहुंच गया। सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2 दिनों के मंथन में भले ही 26 दलों की विचारधारा मैच की हो या फिर ना, 26 दलों के प्रस्ताव मैच किए या ना किए हो, लेकिन जब बात नाम बदलने पर आई तो पार्टी के अंदर ही विरोधाभास शुरू हो गया और फिर खबर आई कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। तो क्या यूपीए के इंडिया में नेम गेम खुद पर ही भारी पड़ने लगा है? सवाल तो ये भी है, इंडिया के आगाज से कौन नाराज? नीतीश का काम, सोनिया गांधी का नाम, कांग्रेस और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं। बिहारी बाबू रूठे, 24 में गठबंधन टूटे। नाम बदलने से क्या होता, कोई अपना नाम राय बहादुर कर ले तो राय बहादुर नहीं ना हो जाएगा, उसके पीछे लोग कौन है? चेहरे तो वही हैं, तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी। उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2-2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं।
हालांकि विपक्षी गठबंधन में नीतीश की नाराजगी जैसी बात को खारिज किया जा रहा है, लेकिन अंदर खान ने बेंगलुरु की मीटिंग के मुकाबले पटना की मीटिंग में नीतीश फैक्टर से किनारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोनिया गांधी की सक्रियता से नीतीश के बदले विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस आ गई है। इस बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होनी थी और फैसले लेने थे, उसको लेकर नीतीश कुमार ने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी, जिसमें 5 सूत्रीय ब्लूप्रिंट भी था, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोई पापी अपने पाप को छुपाने के लिए कोई खूबसूरत सा चद्दर ओढ़ ले तो उसका पाप तो नहीं छुपता। अब इंडिया तो वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, इंडिया वी आर प्राउड ऑफ इंडियनशिप, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया कल्चर। अब इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया है जो लव जिहाद में कुछ लोग करते हैं कि नाम है अकरम, कम काल्पनिक बोल रहा हूँ, नाम रख लिया राम। सारे भ्रष्टाचारी लोग जब 2014 के पहले इन्हें सत्ता मिला तो यही इंडिया और भारत को पूरे देश दुनिया में भ्रष्टाचार के नाम पे बदनाम किया, लेकिन 9 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का गौरव बीजेपी और एनडीए ने दी है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का विजय रथ रोकने यानी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिशों में लगा है। इसी सिलसिले में पटना के बाद बेंगलुरु और अब मुंबई में बैठक होने वाली है, और यूपीए जिसे अब इंडिया कर दिया गया है, उसे आगे ले जाने की रणनीति पर चर्चा होगी। उनके ही पूर्वजों ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करने वाले लोग हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनके पूर्वजों ने जो देश के साथ दुर्व्यवहार किया है, देश को जो छला है, इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। कहा जा रहा है ये स्पेकुलेशन है, लेकिन इतनी बात तो कयास लगाई ही जा सकती है कि शायद उनके दिमाग में बात बनी होगी कि बेंगलुरु के बैठक में कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन होगा, लेकिन वहाँ कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हो सकता है ये बात उनको हर्ट किया होगा। खैर, मोदी से मुकाबले के लिए यूपीए का नाम इंडिया रख लिया गया हो, लेकिन नाम रखने से गठबंधन की गांठ नहीं कसने वाली, क्योंकि सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद अब 26 दलों का दिल है कि कुछ कहने कुछ करने से मानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर संग्राम छिड़ा है। एनडीए के सहयोगी जहां मोदी मंत्र मिलने के बाद चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी विपक्ष की तस्वीर धुंधली नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी हर वर्ग हर समुदाय की बात कर रही है। तो यूपी में विपक्ष अखिलेश के नेतृत्व में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर दांव खेल रही है। बीजेपी अपनी नई टीम के साथ, नई रणनीति के साथ मैदान में है, तो इस बार यूपी में 2 की जगह 3 लड़कों की जोड़ी नजर आने वाली है। एनडीए में सीट को लेकर अभी भी सहमति है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से सपा करीब 50 सीट खुद रखना चाहती है। आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। टीम मोदी और योगी की सेना उत्तर प्रदेश में हुंकार भर रही है। 80 में 80 सीटों पर फतह करने के लिए तैयार बैठी है और उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे विपक्ष के सारे दावे फेल हो जाए। यूपी समेत 38 अलग अलग दलों के साथ पीएम मोदी के मंथन से बीजेपी ने वो अमृत निकाला जिससे उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों पर फतह की जा सके, और इसके लिए अब यूपी बीजेपी में बदलाव की तैयारी है। यूपी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। यानी बीजेपी अब हर मोर्चे पर विपक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगियों को भी यूपी में नया टास्क मिल गया जिससे दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर को साधा जा सके। देखिए, मूल मंत्र एक है, 2024 में
जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए गरीब कमजोर पिछड़े दलित के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, उस काम में हम लोग मिलकर के सभी साथियों ने तय किया है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। कल्याणकारी नीतियां, अनाज जो नियत और नीत थे जिसके वजह से इलाज अनाज सब दिया और उन्हें मंत्र दिया 330 सीट जीतने का है और फिर से देश को समृद्ध जो न्यू बना भारत को मजबूत बनाने का, उसको आगे बढ़ाने का 330 सीट जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को बनाना। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो विपक्ष की टीम इंडिया को लीड करेंगे, यानी यहां कांग्रेस दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी रह जाएगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूपी में सीटों का समीकरण एसपी 50 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, कांग्रेस 20 सीटों पर हो सकती है राजी, बचे 10 सीटों पर सहयोगियों को मौका मिलेगा। यानी जिस पार्टी के पास फिलहाल 3 सांसद हैं वो 50 सीटों का पहले ही चुनाव कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए विपक्ष को हर सीट पर चुनौती देना इतना भी मुश्किल साबित नहीं होगा, और जब पीएम मोदी ही जीत का मंत्र दे चुके हैं तो बीजेपी के साथ ही सहयोगियों का भी जोश हाई है। जीत का मंत्र सिर्फ एक ही है और वो है हमारे 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाना है। विकास की जो तमाम परियोजनाएं देश में इन 9 वर्षों में संचालित हुई हैं, वो हमें जन जन तक पहुंचानी है। मतलब 2024 के चुनाव में जिस लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है उसमें बदलाव के साथ ही हर उस समीकरण को साधा जा रहा है जिससे संग्राम का अंजाम एक तरफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। विपक्ष के 26 दलों ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए बेंगलुरु में बैठक की तो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की भी बैठक हुई। इन दोनों बैठकों के बाद अब बीएसपी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने साफ कर दिया कि वो दोनों गठबंधनों में से किसी के साथ नहीं है, दोनों से दूर है। लेकिन मायावती के एकला चलो के साइड इफेक्ट भी क्या है, पहले आपको वो समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को कई सीटों पर फायदा हो सकता है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। तो मायावती के दलित वोट बैंक में बिखराव होगा, ये भी एक साइड इफेक्ट, और सबका साथ वाली नीति से बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के दलित वोटर में फूट की स्थिति हो सकती है, पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक में भी बिखराव हो सकता है। दरअसल मायावती के पास में अभी 10 सांसद हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने से 2024 में बीएसपी के सांसद घटेंगे और बीएसपी की सीटों पर बीजेपी को फायदा होगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिर मायावती गठबंधन करने से क्यों बच रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीएसपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन को इस घोषणा के साथ तगड़ा झटका दिया। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवाद और पूंजीवाद वाले दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वादे हवा हवाई हैं। मायावती ने एकला चलो की नीति अपनाई है। मायावती ने कहा कि वो ना तो सत्ता पक्ष के गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ये ऐलान कर मायावती ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा,
लेकिन बीएसपी पंजाब हरियाणा आदि इन राज्यों में वहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से विपक्ष की एकजुटता की मुहिम को खास झटका लगता दिखाई दे रहा है, खासकर यूपी में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में बीजेपी को शिकस्त दिए बिना विपक्षी दलों के गठबंधन की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में मायावती के एकला चलो के ऐलान से यूपी में विपक्षी गठबंधन के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। मायावती जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही, 2019 में उसके 10 लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जीते थे, जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, फिर बाद में वो गठबंधन टूटा और मायावती का अकेले लड़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। सपा आरएलडी ये सब मिल जाएंगे और उधर जो छोटे और दल हैं, चाहे वो राजभर के हों निषाद के हों, वो भाजपा से मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ जाएगी। राजभर पहले से ही गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और जयंत को भी लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मायावती की विपक्ष गठबंधन से दूरी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी बीएसपी कुछ खास नहीं कर सकी, लिहाजा इस बार बहन जी ने अकेले चलने का मन बना लिया। ऐसे में खासकर यूपी में विपक्ष के लिए बीजेपी को टक्कर देना खासा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के हार्डकोर वोटर का मूड जानने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल से होने जा रही है। जैसे कि निषाद समाज के साथ ही 17 अति पिछड़ी जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्ला जैसे वर्ग को साधा जा सके और इसकी तस्वीर 24 जुलाई को भी देखने को मिलेगी, जब निषाद महाकुंभ का आयोजन होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी उन छोटे छोटे दलों के साथ अपने नेताओं को भी मैदान में उतार चुकी है। पूर्वांचल में 26 सीटों पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी जातिगत समीकरण को दुरुस्त कर रही है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओपी राजभर को साथ लेकर वो समीकरण तैयार कर रही है जिससे गैर यादव ओबीसी को साधा जा सके। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जातियों के मसीहा बनने की तैयारी तेज हो गई है। निषाद वोट बैंक को लेकर पूर्वांचल में खासा खींचतान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी जहां खुद को इनका रहनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एक बार फिर से निषाद महाकुंभ के द्वारा आरक्षण के मुद्दे को उछालने की कोशिश होगी। यूपी में कुल ओबीसी वोटों में निषाद वोट की संख्या करीब 17% है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए संजय निषाद पर बीजेपी ने दाव खेला और उसी को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद 24 जुलाई को निषाद महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। देखिए, निषाद समाज जागरूक होकर के अपनी एक्टिविटी और जो है समाज के लोगों को एक मिशन के तहत जागरूक बने और धीरे 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 दो सालों में ऐसा हुआ कि वो ठंडे बस्ते में जा रहे थे, तो सारे पूरे पूर्वांचल के लोगों में एक हलचल सी मचने लगी। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम कुछ होना चाहिए इस तरह से, जो समाज हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। दरअसल संजय निषाद ने निषाद सहित 17 अति पिछड़ी जातियों के नाम पर सियासत में कदम रखा और इसका फायदा ये हुआ कि आज वो MLC होते हुए कैबिनेट मंत्री हैं, तो एक बेटा सांसद है। ऐसे में एक बार फिर संजय निषाद पूर्वांचल में उन समाजों को एकजुट करना चाहते हैं जिससे बीजेपी को फायदा दिला सकें, और यही वजह है कि 24 जुलाई को निषाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अब समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। निषादों के लिए अगर किसी भी सरकार ने काम किया है
तो वो समाजवादी सरकार ने किया है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय निषाद समाज को खनन, बालू, पोखरा, हर चीज़ का पट्टा निषादों के नाम करने का शासनादेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि संजय निषाद के बाद जयप्रकाश निषाद को आगे लाना बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले एक दाव हो सकता है, जिससे दो दो चेहरों के साथ उस समाज के वोट बैंक को पाले में लाया जा सके, जिससे विपक्ष को और कमजोर किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा इस तरीके से है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निषाद समुदाय पे जो उनकी पकड़ है वो कहीं से भी कमजोर हो। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक अच्छी बात है, जहां संजय निषाद की पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, वैसे ही उनकी अपनी पार्टी के जो नेता हैं वो भी सक्रिय होकर निषाद समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बीजेपी अब उन छोटे छोटे दलों के साथ ही अपने नेताओं को भी मैदान में उतार चुकी है, जिससे निषाद समाज के साथ ही 17 अति पिछड़ी जातियां, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह जैसे वर्ग को साधा जा सके। और इसकी तस्वीर 24 जुलाई को भी देखने को मिलेगी, जब निषाद महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।